तूने किसी जमीन ले ली जायदाद ले ली घर ले ली तुमने ये सवाल पूछा वो नहीं मुझे भाई तेरे लिए रोक के रखा हुआ था मैं, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसे हम बॉयज बॉयज में ही रह गए भाई कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी लड़की से बात करने की तेरे सवाल दहेज नहीं गिफ्ट भाई बहुत फ्यूचर है बहुत अच्छा पोटेंशियल मैं तो इंतकाम के चक्कर में सोशल मीडिया पे आया था कि मैं भी

मजे मजे पे बैचलरी और जो शादी करके वहाँ बैचलर्स में जाते हैं उनके लिए भी, भी है है। भाई। मैं। कर जाते है। हमारे मतलब पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों को भला करो उनको सिखाओ उनको काफी चीजें इनपुट्स दो कि कैसे क्या करना है फिर एक दो साल में जब खुद सारा कर जाते तो जय श्री राम सभी को शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना मैं बोल रहा हूँ मोदी जी भी आ जाते हैं हमारे घर पे आज <laughs> अगर आ इतना बुलाता मैं उनको तो है? नहीं, नहीं, आज लेकिन आ भाई ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं इनको इनका टाइम लेना मतलब मतलब ले लो तुम ले लो मजे ले लो भाई मैं मिलवाता हूँ आप सबसे करण सैगल से हेलो 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 गाइस किधर मुझे कहा देखना ये बता भाई ये तुम्हारा कैमरा वो सामने वाला वहां पे भी देख के आप चलो बात कर सकते हो मैं तो तुझे देख के बात करूँ भाई कैसे बात करें वार्तालाप जैसे भी हो सके वैसे कर लो यार यस yes, ब्रो ये Let's बताओ bro. कैसा चल रही है भाई अच्छा चल रहा है बाई गॉड्स ग्रेस चीजें ट्रैक पे हैं ओके okay. दोस्ती यारी भी ट्रैक पे है घूमना फिरना भी ट्रैक पे है बस चलो दोस्ती यारी पे तो बाद में आएंगे अभी स्टार्ट करते हैं पहले भाई जो अपनी नई ऑडियंस है उनको एक बार करण सहगल मैं एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूं हूँ हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते हैं और यूट्यूब पे भी ब्लॉग्स करते हैं हर कोई व्लॉग्स बनाता है हम भी कोशिश करते हैं कि व्लॉग्स बनाने की एंड बस घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके आप लोगों को दिखाते हैं

आप देख सकते हैं हन्नी भाई देख लो स्टार्टिंग के तीन चार मिनट में ही कर रहा हूँ तुम्हारी प्रमोशन ठीक है तो इसको थोड़ा पेमेंट एक्स्ट्रा करवा देंगे हम आपको बट <laughs> देन अच्छा चल रहा है <laughs> रिस्पांस आ रहा है बट देन यार ये था क्योंकि ना मतलब क्रिएटर इंडस्ट्री ऐसी है कि आप 24 घंटे ब्रांड्स पे नहीं डिपेंड कर सकते और अगर आपका खुद का जैसे जनता आपसे प्यार करती है तो जब तक आप अपना ऐसे पर्सनल टच दे के कुछ ना जब तक प्यार कर रही है जब तक कर रही है यार प्यार तो प्यार तो क्या है आता है जाता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है वो लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है प्यार के बीच में ये हम टॉपिक अलग जा रहे हैं <laughs> <बड़ागे पार। laughs> नहीं भाई इसी पे आते हैं पर भाई क्या क्या, क्या लड़ाई झगड़ा क्या किस टाइप का लड़ाई झगड़ा जो आजकल चल रहा है प्यार होता है वहाँ गुस्सा होता है अच्छा हमारे तो कोई नहीं है

कोई हम बता रखा सब चीज मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि रोज ही जाके पी रहे बट ठीक है ओकेजनली ओकेजनली ओकेजन कब कब आता है बहुत कम हफ्ते में हफ्ते में पागल है चाय थोड़ी पी रहा होगा नहीं नहीं बट कभी कभी आर्मी बैकग्राउंड से इसलिए करता है या फिर था नहीं, नहीं, यार आर्मी उल्टा होता है भाई तुम्हें लगता है कि यार ऑफिसर्स में ट्रेडिशन होते हैं कुछ तो ऐसा नहीं है जब आप नए नए ऑफिसर बनते हो कि नई जगह जाते हो अगर कोई सीनियर आपको कुछ बोलता है मतलब आर्मी में ऐसा होता है कि अगर आपके सीनियर ने आपको कुछ बोल दिया आप मना नहीं कर सकते सीनियर आपको बोले यहाँ से छलांग मारनी तो आपको माननी ही पड़ेगी तो वो कुछ भी कुछ भी हो कुछ भी हो आपको मतलब इतने रिस्पेक्ट और इतना डिसिप्लिन होता है क्योंकि वो भी कोई सीख के सीनियर बना है ऐसे को तो कोई सीनियर बना नहीं होगा तो वो एक Respect रहती है और एक वो रहता है कि होती है तो वो फॉलो करते हैं तो, that is the thing. तो सुबह पाँच बजे उठा देते होंगे हाँ. भाई उल्टा होता है कि आर्मी वालों के पेरेंट्स आर्मी वालों के जो बच्चे होते हैं उनपे पेरेंट्स इतना स्ट्रिक नहीं होते अच्छा. वो थोड़ा रिलेक्सड होते हैं क्योंकि भाई वो सारा स्ट्रेस वो ले चुके होते हैं घर होते है कि घर में माहौल लाइट रहे तो इतना कुछ वो नहीं होता

पापा ने तो बोल मतलब मन था तेरा भाई मैंने क्लियर करा था मुझे जॉइनिंग थी मैं गया नहीं था मेरा मेडिकल का कुछ था कि आई हैव टू लूज वेट बट घर में इतने कलेश हो गए कि जैसे मेरे दादाजी भी आर्मी में थे पापा भी आर्मी में थे तो उनको ये था कि यार पूरे जनरेशन ऑलरेडी है हमेशा मतलब देश को सर्व कर चुके हैं तो अभी तेरे क्या जरूरत बट मेरा पैशन शुरू से ये था कि मुझे आर्मी में जाना है

फटी मतलब कुछ हुआ ही नहीं ऐसे हम बॉयज बॉयज में ही रह गए भाई कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी लड़की से बात करने की तेरे सवालों का मैं ऐसे ही जवाब दूँ <laughs> कभी हिम्मत ही नहीं हुई यार बात करने की लड़कियों से अच्छा आ जाऊँ क्या मैं उस पॉइंट पे नहीं <laughs> <laughs> तो बताओ यार यार फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी भाई देख पहले तो टेंथ इलेवंथ तक तो पपलू जैसे दिखते थे दांत बाहर होते थे ब्रेसेस लगे हुए थे अच्छा ब्रेसेस लगे होते ब्रेसिस हाँ, तो वैसे कोई नहीं देखता था ओ, एंकर। 12th के भाग... भाई ब्रेसेस वाले को मिनट सॉरी बीच में इंटरप्ट हाँ। ब्रेसेस वाले को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते हां भाई, भाई ब्रेसेस से पहले भी ऐसे ब्रेसेस उतरने के बाद उनको लगता है कोई नया बच्चा एडमिशन ले लिया तो भाई क्योंकि ब्रेसेस उतरने के बाद ना लोगों का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है कि हां यार अब ये नॉर्मल इंसान लग रहा है तो गर्लफ्रेंड फर्स्ट बनी थी 12th में 12th में भाई बहुत लेट बनाई यार तुमने

कोई एक एक चीज बताओ गुड़ इस चीज़ का बहुत तगड़ा फन है भाई गुड़गांव में गुड़गांव की एक बेस्ट चीज़ बताओ तो यार एक्सपोजर पता है मैं बैंगलोर में एक चीज अच्छी लगती थी कि बैंगलोर में आपको एक्सपोजर बहुत था कि वहाँ पे कॉपरेट्स है बहुत पंजाब जाके इतना एक्सपोजर नहीं मिला फिर वहाँ पे जब दो कॉलेज के लिए मैं गुड़गांव आया भाई वहाँ पे अलग अलग दुनिया दिखी तो उसमें जो कॉपरेट वही कहते हैं जो मेट्रो सिटीज में आपको देख सीखने को मिलता है वो आपको नहीं मिल सकता अगर आप छोटे शहर में बैंगलोर में छोटे शहर में ना

पापा ने एक दिन पापा मूड में थे पापा ने कहा आओ बैठो, बैठो। <laughs> तब बात हुई थी पर ऐसे यार ऐसे कभी शौक था भी नहीं अब जा तब शुरू से ऐसे ये शो, सोशल थोड़ी ड्रिंकिंग है वैसे कुछ नहीं है सोशल ड्रिंकिंग है सोशल ड्रिंकिंग है कभी तुम मिल गए कभी तुम्हारे दोस्त मिले भाई हमारे साथ में तो नहीं पी तुमने कभी हाँ भाई हमने पी थी ना ब्रीजर कब ब्रीजर भी नहीं पी भाई हमने तो ब्रीजर पी है अच्छा

मतलब मेरे घर वालों कभी कभी तो लगता है कि तू बच्चा है कुछ मैटर में भाई जिसमें नहीं वो चाहते ना कुछ बोलू बोलते तू बच्चा है फिर मैं चुप हो जाता हूँ बट देन मोस्टली मैं यही होता है कि बड़ा समझते हैं अब थोड़ा थोड़ा अब भाई घर वालों तो का टाइम हो गया यार भाई घर वालों के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं चाहे चालीस साल के हो जाए चाहे पचास के हो जाए अब तो शादी वादी का टाइम हो गया भाई शादी का टाइम भी आ जाएगा अभी है थोड़े से दिन दिन नहीं सॉरी नहीं अभी है महीना कुछ महीने कुछ महीने ये शादी की प्रिपरेशन चल रही है जो तुम गाड़ी लेके आए हो नहीं नहीं भाई शादी में अगर शादी करनी होती तो ये प्रिपरेशन होल्ड होल करनी पड़ती है फिर बात अच्छा तुमने घर का लिया है घर ले लिया है घर वालों यार मुझे ये था घर लू तो घर वालों के आसपास ही रहो तो ज्यादा दूर ना जाऊँ तो ये ये की आसपास ही नहीं घर वालों के ताकि फैमिली साथ रहे यार पता क्या मतलब काफी लोग सोशल मीडिया पे एक चीज सोचते हैं कि ब्लॉगर्स के लिए आज के टाइम कि ब्लॉगर्स गाड़ी लेते हैं ठीक है और डेप्रीशिएटिंग एसेट में पैसे डालते हैं बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई ब्लॉगर होगा जिनको मैं जानता हूँ जिनके पास एसेट्स नहीं होंगे या फिर किसी ने अपने पैसे इन्वेस्ट ना करे हो hmm. फिर और साइड बाय साइड गाड़ी लियो। ऐसा किसी ने नहीं कि अपने सारे पैसे मतलब हाँ एक दो लोग हैं जिन्होंने अपने पहले सारे पैसे गाड़ी में डाल दिया बट मोस्टली जितना मैं लोगों को पता है जिनका अपना कुछ एक सेटल्ड बेस है घर बना लिया है या कुछ ना कुछ अपना एक वो बना लिया है क्या पोर्टफोलियो बना लिया है जिसमें थोड़ा तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा चाहे स्टॉक्स हो गए कुछ हो गए हुँ. उसके बाद लोग गाड़ी घर लेते हैं ऐसा कोई नहीं है कि भाई कॉन्टेंट के चक्कर में गाड़ी ले ली ले। लेते हैं कॉन्टेंट के चक्कर में बट अपना एक पहले इन्वेस्टमेंट करके ताकि फ्यूचर भी अपना थोड़ा सिक्योर रहे तो मैंने भी ऐसे ही करा था मैंने भी घर बहुत टाइम से सोच रहा था तो मैंने कहा था अब गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले घर लेंगे और भाई घर ज़मीन ने एक बात कही जब ले लो तब सस्ती है जब मैंने ली थी, उसके दो महीने बाद ही रेट बढ़ गए थे जब तक गुड़गांव में तो ऐसा है यार में तो आज के टाइम में जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं जैसे डेवलपमेंट हो रही है भाई बढ़ेंगे और अभी और जाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हाईवेज अच्छे बनेंगे तो भाई रेट तो जाना ही है

No. दहेज नहीं गिफ्ट <laughs> भाई वो वो बड़ा सा, सा, आजकल बड़ा बहुत चल रहा है ना कि दहेज तोड़ना गिफ्ट, गिफ्ट है तो। भाई आप अब जब बोलते हो कि लड़की बेटी है और तब फिर बेटी का क्या हुआ फिर तो यही हो किसी को आप अपने घर भेज रहे हो नो गिफ्टिंग क्या करती है भाभी वही जो हम कर रहे हैं भाई बहुत फ्यूचर है बहुत अच्छा पोटेंशियल है सोशल मीडिया में जिसको भी करना कर सकते हो तू कैसे आया यार क्या सोचा मतलब... मैं तो इंतकाम लेने आया था, था कि मैं भी... भाई गया। पता ये कितनी हाँ। बात कर सकते है चक्कर में हम आए थे जब टाइम आएगा तो उसके बारे में ढंग से फिर से इंतकाम लेंगे बट ये था की ऐसे ही यार मैं मतलब इस फील्ड में काफी टाइम से था बट एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं था बट देन कुछ चीजें हुई जिसके कारण हमने सोचा कि हम भी सोशल मीडिया पे आ जाएं क्योंकि तो हमने सीख यार वही कहते हैं ना चलो जो बुरा होता है होता है बट देन अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या सीखा है तो उस टाइम में हमने बहुत सीख लिया था कि अब मुझे पता था कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें पता चली है सोशल मीडिया के बारे में क्या पोटेंशियल है क्या करना चाहिए और मैं कर सकता तो इसलिए मैं भी फिर इंतकाम लेते इस लाइन में आ गया

कमर्शियल पायलट बनने के पैसे नहीं थे मतलब मुझे घर से मांगने थे भाई शुरू से आदत रही है घर से पैसे नहीं मांगना कमर्शियल पायलट बनने का था पापा ने कहा था कि आर्मी में जब ये सब हुआ कि आर्मी में नहीं जाना ये वो कमर्शियल पायलट कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लें उसका खर्चा बहुत होता तो मुझे ऐसे प्रेशर डालना था भाई क्योंकि आर्मी की जॉब में इतना कुछ होता नहीं है तो मैं और वैसे भी भाई अभी भी मुझे मतलब शुरू से यही रहा है कि घर पे कभी डिपेंडेंट रहना ही नहीं है तो यही हुआ कि एलेवेंथ ट्वेल्थ टेंथ में नंबर अच्छे आ गए एक दो में नब्बे से ऊपर आ गए नॉन मेडिकल में एडमिशन मिल गया फिर वहाँ जाके नंबर ऐसे गए फिर मैंने घर वालों को बोला मैं नंबर ऐसे जा रहे हैं क्या करें कहते अब तो ले लिया अब तो करनी पड़ेगी पर अब आज के टाइम पर किसी के नंबर नहीं आते वो भाई स्ट्रीम शिफ्ट कर लेता है तब तो मुझे था फंस गया तो फंस गए फिर इलेवंथ करके ट्वेल्थ में फंसे रहे और तब ऐसा होता था कि भाई बी ए बी ब करनी नहीं नौकरी मिलनी नहीं क्योंकि तब तो भाई पता थोड़ी था कि ऐसा कोई बिजनेस और बिजनेस कोई बैकग्राउंड है नहीं तो यही था कि भाई बीटेक की सबसे ज्यादा सैलरी लगती है बीए की दस हजार लगती है बीटेक की बीस हज़ार लगती है तो यही था कि बीटेक करके चलो बीस हज़ार तो लगवा ले

कुछ काम <laughs> हमारे कॉलेज के भी नाइन पॉइंटर वाले मुझे पता है कहाँ पे है ठीक है मतलब नो ऑफेंस टू एनी वन जिनने अच्छा करा करा है बट मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है तो ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर आप सात सी जी पी वे हो और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है आप हासिल कर सकते हो hmm. तो आप जो हासिल कहते हैं भाई बिजनेस के लिए हासिल भाई जॉब के लिए भी अगर आप अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रखोगे आपको जॉब प्रोफाइल में भी नौ सी hmm. जी पी वाले से बराबर नहीं तो उससे अच्छी भी लग सकती है आपकी जॉब इसमें कोई वो छोटी दो राय नहीं है उसमें

मतलब पच्चीस हज़ार फॉलोअर प्यार बहुत बढ़िया यार मैंने पता है अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी कभी ना बैलेंस बना के चलो तो मैंने हमेशा क्योंकि मुझे वही जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने जो चीज़ें सीख ली थी तब हुँ. तो मुझे पता था कि ब्रांड्स को कैसी प्रोफाइल चाहिए होती है तो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मेरा यूट्यूब का मेरा जब भी कोई कंटेंट देखे वो कभी भी इंस्टाग्राम के कॉन्टेंट से मेल जोल नहीं खाएगा okay. जैसे इतना मेरा कभी इंस्टाग्राम पर तो मैं गाड़ियाँ नहीं देखेंगी जितनी तुम यूट्यूब पर गाड़ियाँ देखते हो क्योंकि ब्रांड बहुत सारी चीजें देखते हैं ब्रांड एक अगर लाइफ के लिए आपको इंस्टाग्राम पे पैसे देगा वो चाहेगा कि लाइफ क्रिएटर हो अगर आप सिर्फ गाड़ी डालोगे वो आपको ऑटोमोबाइल में डाल देगा सिर्फ फैशन डालोगे आपको फैशन में डाल देगा

Quick money आपको कही आपको कहीं नहीं लेके अगर लगता है ना आपने एक रात में जो हम खुद भी करते है। जैसे कोई ट्रिमर ब्रांड हो गया या फिर कोई फैशन स्टार्टिंग हो गया। में किया मतलब अपने कभी नहीं करा और ये कभी किसी को करना भी नहीं चाहिए आपकी मतलब वैल्यू खत्म होती है अगर आप खुद ब्रांड्स को बोलो ना मैं क्रिएटर हूँ वो बोलेंगे तो हम क्या करें आप हमारी एजेंसी से बात करो जैसे आपको पास कोई आता मैंने मैंने से बात तो आपकी वैल्यू बढ़ती है तो ब्रांड को लगता है हाँ यार, इस एजेंसी ने कुछ नाम भेजा तो कुछ तो होगा इनमें खुद जाओगे आपको अगर आपने बहुत अच्छी कोई पिच डाल कि भाई मैं क्यों अच्छा हूं या फिर आप टॉप ऑफ द गेम हो तब ब्रांड बोलेगा चलो यार डायरेक्ट हमारे पास आ गया हमारी एजेंसी वाले पैसे बच गए कर रहे हो तो आप

नेगेटिविटी स्प्रेड होती है और ये सारी चीज़ तेरा तेरा पॉइंट यार नेगेटिविटी तो भाई जितना घुसोगे उतना तो फिर दल दल की तरह नेगेटिविटी अगर आप उसमें घुस गए हुँ. तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है मतलब चाहे एज अ क्रिएटर हो चाहे एज एन ऑडियंस हो अगर आप, अगर आप अगर आपको चलो कॉन्ट्रोवर्सी सबको अच्छी लगती है ठीक है कॉन्ट्रोवर्सी में यार देखना देखना देखने की बात कर रहा हूँ मसाला चाहिए लोगों को यार सबको चाहिए बट वो ऐसा मसाला है कि अगर आप घुस गए ना बहुत टॉक्सिक हो जाता है और फिर आप आप खुद मतलब आई डोंट क्योंकि हम तो मतलब मैं ऑडियंस के परस्पेक्टिव से बोला हम तो दो चार कमेंट छोड़ जाते हैं ठीक है बट हमें लगता है कि हमने तो भाई कमेंट कर दिया भाई एक तो क्रिएटर पे इम्पेक्ट करता है और तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी में भी होता है यार तुम ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हो बिकॉज कोई भी क्रिएटर हमेशा कॉन्टेंट इसलिए डालता है कि आप स्माइल करो आपका दिन अच्छा बने आपका एंटरटेनमेंट मिले आपको बट अगर आप नेगेटिविटी में कंज्यूम हो जाओगे तो आप खुद भी नेगेटिव फील करोगे और यहाँ पे आप कमेंट कर दोगे बट कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉन्शियस में रह जाएगा कि यार ये सोचना चाहिए कि अगर आप नेगेटिव चीजों में घुस रहे हो या फिर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारे तुम्हारे, भी तुम्हारे पर भी इफेक्ट करेगा वो करेगा क्या तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एल्विश की अभी जो रिसेंटली जो चली है ये मैक्सन के साथ में तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था हमने कौन गलत था कौन सही था हमने नॉन मेडिकल में एक लॉ पढ़ा ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आप तो किसी चीज को इतना करोगे 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 तो भाई हर हर बंदे की हर चीज की एक लिमिट होती है कोई अब कितना बड़ा रिएक्शन होना चाहिए था इस पर मैं नहीं बोल सकता बट कोई ना चीज का रिएक्शन तो निकलेगा और अगर आपने इतने पंगे लिए हैं तो अब उसका आउटकम जैसा भी होगा वो फिर आपको ही फेस करना पड़ेगा बट बंदा तो बंदा तो ऐसे ही प्रिपेयर था अब जो अब

वो वो एक अलग थी वो कंट्रोवर्सी हाँ, वैसी नहीं थी ना यार नेगेटिव यार आई थिंक अभी भी YouTube अच्छी जगह है हां वैसे अच्छी जगह है अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हो अभी भी इतना बुरा हाल भी नहीं है नहीं मैं तो आज एक दो इंटरव्यू देखे ना एक दो बंदों के मैं नाम नहीं लूंगा बट उनके देख के मेरे को ऐसा लगा यार कुछ ज्यादा ही हो गया है भाई हाँ। वो वाला पीरियड मुझे वो जब थी। वो थी वो रियल थी। अब क्या हो गया अब अब ना बड़े क्रिएटर्स के भी आगे पीआर आ गई है हाँ। कि आप ये बोलो ऐसे हाँ, करो ऐसे हाँ। करो वो वो फेज चले गया क्योंकि अब थोड़ा अपनापन सा चला गया यार हाँ सोचता था वो थे भाई चाहे मतलब

मैंने कुछ वो क्वेश्चन लिखे भी नहीं थे भाई जो बात थी वो थी वो थी दिल में थी तो निकल गई इसका मन तो है बहुत सारी बातें करने का करन का बट टाइम आने पर मेरे को कब से देख रहा है तू? तेरे को भाई तो तब से देख रहा जब एलवेश सारे साथ बनाते लड़की के पीछे लड़ाई की है भाई मैं पिटा बहुत हूँ मैं स्कूल में पिटा बहुत हूं। लड़की के बेचने वैसे पिटाऊ मैं बोली बड़ा हुआ था एट्थ नाइन्थ क्लास में बहुत पिटाऊँ रोज शाम को टाइम पास के लिए पिटाऊंगा एक महीना टाइम पास के लिए उनके टाइम पास के लिए तू पिटा हाँ भाई यार मैं बैंगलोर से न, देख मैं एट्थ क्लास तक बैंगलोर में ठीक है? है हमारे बड़े इंग्लिश जैसे ना अच्छे कोई उल्टी सीधी बातें नहीं हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू फ्रेंड्स जैसे मैं पाँच साल वो देखा है और आर्मी में भी हमारा ऐसे होता था पंजाब आया पंजाब में पूरा देसी अपना ना क्राउड मैं किसी इंग्लिश में बात करूँ उनको लगे उनको उनको लगे मैं मजाक उड़ा रहा हूँ कि वो मेरे से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते जबकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जिसमें इंग्लिश ही चलती थी और कुछ नहीं चलती थी बैंगलोर में अच्छा तो, तो एक दो के साथ ऐसे ही ऐसे ही शुरू हुआ कि तू क्या वो हिंदी में बोले पंजाबी में बोले मजाक उड़ा रहा है हमारा मैं कह मजाक नहीं उड़ा रहा ब्रो आई टॉक लाइक दिस अब उनको लगे ये फिर से पंगे कर रहा है

एम ए टी पूरा स्टैंड स्टिल पर आ गया था तो जो लोग एम ए टी में पढ़े हुए हैं गुड़गांव में अच्छा दो हजार चौदह पूरा कॉलेज उग गया था भाई इतनी लड़ाई हुई थी और वो लड़की मेरा ही काट रही थी भाई वो चलो ये कहानी वैसे बताने वाली है बता पॉडकास्ट निकल जाएगा बता यार बताओ बता बता भाई फाइनल ईयर की बात है ठीक है ऐसे किस्से मेरी बात चल रही थी तो उसने ना बड़े स्वीट टॉक करके हफ्ता भी बात नहीं हुई होगी आठवें दिन ना रोने लग गई रोते रोते फोन आया मैंने कहा क्या अब हम तो शिवलरी थोड़ी दिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसे बेचारे ऐसे, कुछ नहीं कुछ नहीं फिर दूसरा दिन हुआ तो दो चार दिन बाद फिर से अभी सात दिन ही हुए बात करते करते अच्छा दो चार दिन बाद फिर से फोन होना मेरे कॉलेज की भी नहीं थी ठीक है फिर सात दिन और निकल गए फिर भाई एक दिन तो मैंने कहा तू बता क्या हुआ उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरे कॉलेज में लड़का है मैंने कहा मेरे कॉलेज में लड़का और मेरा जूनियर मैंने कहा अच्छा मैंने कहा ऐसे कैसे फिर भाई एक दिन मैंने कहा अब उसने कुछ करो ना मैं तो कॉलेज पहुंच जाऊंगा और भाई हुआ अगले दिन मैं कॉलेज पहुंच गया भाई लड़के को क्लास से बाहर बुलाया मारे उसके ठीक है उसके बाद आ, उसकी सुनी नहीं वो कुछ बोलना चाहता था उसको बोलने नहीं दिया तो उसके बाद हम चले गए फिर हम चार लोग गए थे और उसको क्लास से बाहर निकल के मारा था वो चार में से उसको मैं नहीं मिला वो साठ बंद साठ बंदों ने मेरे चार में से एक दोस्त को उतना ही मारा मैं मैं गायब था क्योंकि मैं नीचे लैब में था उसको मारा फिर वहाँ से बात हुई भाई चार घंटे निकल गए एक दूसरे को ढूंढने में और मारने में ठीक है उसके बाद जब बड़े आ जाते हैं ना बच्चे आ गए हैं हमारे तो तुम लड़ क्यों रहे हो फिर बात पता चली लड़ाई क्या हो रही है और भाई वो पता चला कि वो लड़की उसको चार साल से डेट कर रही है और उसको पता था मैं उस कॉलेज में हूँ और वो चाहती थी कि मैं इससे लड़ू जाके और वही हुआ कि पूरा उस भाई उनका हमारे बीटेक की अलग बिल्डिंग होती थी उसकी बीबीए की अलग बिल्डिंग थी तो पूरे आपस में सबकी आपस में लड़ाई हो गई

उसने मिलाया उसका फोन उठा लिया और सामने सीनियर बैठे और सर बैठे सर कहते ये क्या मुझे समझ ना है क्या वो और मैं कहा बाहर मेरे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं इसके चक्कर में पूरा कॉलेज रोक दिया हमने फिर मुझे भी चार गालियाँ पड़ी बट ठीक है भाई सोच लिया उसके बाद लड़की पीछे नहीं लड़ूंगा उस टाइम तो गुड़गांव आ चुका था

कभी पापा की पोस्ट का या आर्मी बैकग्राउंड का कुछ फायदा उठाया था यार बहुत सारे बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे को बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ फायदा यार मैं कर्नल नहीं यार पास मिल गया जैसे रिपब्लिक डे की परेड देखनी है हुँ. अच्छी सीट मिल गई ऐसे होता था ऐसा कुछ क्या भाई मेरे पापा कभी ऐसा बन वो होने ही नहीं दिया कि मैं फायदा उठा सकूं <coughs> वो तो कहते तुम कर लो जो तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं करवा रहा मेरे तो भाई ऐसे ये माहौल रहा है कि मैंने कहा पापा ये करवा दो मैं कुछ नहीं करवा रहा <laughs> बीच में हाँ शायद मिलिट्री पुलिस में पापा थे तो ऐसे ये होता था कि एक बार कभी पुलिस वाले ने रोक लिया तो मिलिट्री पुलिस और आर्मी सिविल पुलिस मिले होते हैं क्योंकि उनको पूरा एरिया देखना होता है कि वो कोऑर्डिनेशन रहे जैसे किसी रोक लिया था तो एक बार छुड़वा दिया था यही हुआ वैसे ज्यादा भाई क्या ही होगा

नहीं आ रहा सोचने में झूठ बोला था मैंने कि रिजल्ट नहीं आया और उनको पता चल गया रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट में क्या था नहीं बताया तभी ख़राब ही भाई।, भाई तब पड़िए मार फिर तो उनको भी लग गया कि ज्यादा ही मार दिया पर वो उनको शुरू से भाई एक चीज था कि तुम जो मर्जी करो नंबर आए ना झूठ मत बोलो और मैं झूठ में झूठ मैं झूठ बोलता मेरी शक्ल पे दिख जाता है

सौरज जोशी है फुकरा है एलविश है सारे हैं यार बाकी कॉमेडियंस वगैरह सारे हैं अपने अप वाले अच्छा सारे है okay. बात करनी है किससे पॉडकास्ट में बुलाना है <laughs> पहले ही पता करवा रहा हूं। मैं मैंने के किस चीज के नंबर <laughs> तो इन जनरल पूछा था मेरे जाके खरीदो यार लिंक हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिल जो पका हो, सब खा लेते सबसे बढ़िया क्या लगता है सबसे बढ़िया भाई दाल मखनी दाल मखनी खिला लो जब तक कोलेस्ट्रॉल ठीक है तब तक दाल मखनी कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो जाए तो तंदूरी पनीर टिक्का और चिकन चिकन, चिकन खाते हो तो शादी वहीं पे जाके करेगा या यहीं पे भाई जो शादी पंजाब करने में मजा है वो कहीं नहीं मजा पार्टी होगी पंजाब में ए? तेरे सारे तू अलग से वहां पे एक पॉडकास्ट शूट करियो रात को दो बजे सबको बिठा लेंगे जितने भी दोस्त यार हो गए ना

ओके okay. दुबई में मजा बट दुबई में भाई तुम जितना मर्जी पैसा लेके चले जाओ तुम गरीब ही लगोगे ये हाँ। ये तो मैंने ये तो मैंने बताया था चाहे तुम, ला, तुम लाखों करोड़ों रुपए ले जाओ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे वो पूरे पैसे नहीं खत्म हो सकते मतलब उससे भी ऊपर कोई कोई ना कोई जगह मिलेगी मिलेगी भाई दुबई का मैं तो मैं जितने भी दोस्त है जो जॉब करते हैं या कुछ करते मैं तो बोलता हूँ भाई दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम वर्क हार्ड करो और पार्टी हार्ड करो मतलब तुम कमाओ भी तुम उस हिसाब से पैसा उड़ाओगे भी और तुम्हारी मोटिवेशन भी उतनी मिलेगी कि किसी को ऐसे को तुम देख लोगे बोले यार अगले दिन और डबल मेहनत से काम करना और रिजल्ट ज्यादा अच्छा लगता है मुझे एस कम में यहाँ पर इंडिया में अभी डेवलपिंग कंट्री है मतलब अगर टेक्निकल उसमें जाएगा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बहुत है जैसे अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो आप बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है डिमांड बढ़ रही है बट अगर आप मतलब अभी अगर आप जॉब वगैरह में देखने सोचा हुआ है कहीं दुबई में काम वाम करने का यार सो मतलब मैं बताता रहा हूँ अगर जॉब करनी है दुबई में ज्यादा अच्छा माहौल है मेरे हिसाब से अच्छा बट अगर आपको बिजनेस करना है या कुछ भी चीज नया अपना स्टार्ट करना है क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री में है और बहुत अच्छी स्पीड से डेवलप कर रहा है तो इंडिया में अगर आपको कुछ नया कुछ खोलना है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडिया ज्यादा अच्छा बिजनेस के लिए इंडिया मुझे लगता है बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज

जो भाई कहाँ कहाँ गया हुआ है तो बाहर घूमने मतलब आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया बाली यूरोप में इटली जर्मनी फ्रांस और श्रीलंका फिर नेपाल और कहाँ गया हूँ सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी तेरे को इंडिया अरे भाई आउट दस, दस दिन बाद आउट दस, दस दिन बाद भाई इंडिया याद आता है वो तो पता है मैं चाहे कहीं भी चल जाऊं <laughs> दिन बाद भाई अपना देश, अपना देश अपना देश वो तो आप कहीं भी चले जाओ यहाँ से पहाड़ में चले जाओ दस दिन बाद पहाड़ के बाद भी तो याद आता इंडिया में मैं पहाड़ रह लूंगा दो महीने अच्छा मैं भाई अगर बाहर चले जाऊँ मुझे दस दिन बाद मुझे ऐसा होता था की मुझे घर ले जाओ भाई ऐसा क्यों यार फी मतलब अपना वही है अपनापन अपनापन पार्टी कितनी कर लोगे यार मतलब मैं घूम भी कितना लोगे और पता है क्या ये बड़ा हाइप बना हुआ है कि यूरोप में ये बड़ा मॉन्यूमेंट है ये बड़ा है भाई उत, पुराने जमाने के हैं उनके टाइले की टूटने तू, को हो रही है बस ये है कि आप इंडिया में कल्चर बना हुआ है कि भाई बाहर जाना है बाहर जाना है जबकि इंडिया में इंडिया मुझे ज्यादा सुंदर लगता है अगर आप मेरे से चीजें पूछोगे इंडिया इंडिया भी पूरा घुमा घुमाऊ मैंने ऐसे इंडिया में कोई जगह नहीं मैंने ईस्ट इंडिया भी पूरा देखा हुआ है मैंने साउथ इंडिया भी पूरा देखा है मैंने नॉर्थ इंडिया भी पूरा देखा है वेस्ट भी मैंने पूरा देखा है इंडिया से सुन रहे आप बात कर रहा है भाई मैं मणिपुर पापा थे तो मणिपुर ईस्ट साइड पूरा घुमाऊँ अरुणाचल गेंगटॉक सिक्किम आपका असम ठीक है फिर आपका चिरापूंजी शिलोंग ये सारा घुमाऊँ साउथ मैं में मैंने घर वालों तो भाई मेरे रोड ट्रिप का चस्का ही तो पापा से चढ़ा है हम बैंगलोर थे हमारे पास जैन होती थी भाई चार लाख किलोमीटर चलिए जैन वो भी मीटर ख़राब होने तक चार लाख था उसके बाद क्या चलिए वो पता नहीं

यार, यार तो होगा यार, यार आप इतने बड़े हो गए हो के अब अब तो नहीं तब तो यार यार अब तो सब अब तो बड़े उनको भी पता है बच्चा बड़ा है तो पापा के साथ शाम को बैठना होता तो बैठ जाते हैं जाम बिठा लेते हैं बट एज सच यार तब अब तो सब कुछ होता है तब पता नहीं होता था तब छोटे होते भाई आठवीं क्लास में क्या पता है? पापा उस टाइम तो अब क्या करना था पापा मम्मी पापा मम्मी उस टाइम तो, तो क्या चाहिए होता था भाई बस यही होता तो था चॉकलेट चाहिए होती थी, थी ये होता था बस ये होता था कि पापा आगे वाली सीट पर बैठने तो मम्मी को पीछे था भाई

अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं मशीनरी का हाँ भाई अच्छे से हम भी यूज कर रहे हैं बट हम थोड़ा कॉन्टेंट के देख के हम कम यूज कर रहे हैं यार कंटेंट नहीं है यार पता क्या जब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है ना आपके पास तो आपका मन यार देख अब बता तब शौक होते थे पैसे नहीं होते थे अब शौक है और पैसे, पैसे नहीं भी, है। भी है तो अब ये होता है कि चलो गाड़ी ले ली अब मन तो भर जाता है ना कभी कभी ये होता है कि यार कंटेंट पता है मैं बताता हूँ हमें सबको लगता है कि हम कॉन्टेंट के चक्कर में गाड़ी लेते हैं बट भाई हर यंगस्टर का सपना होता है कि इस टाइप की गाड़ी और लेना। मेरे मेरे लिए बहाना है घर में कि पापा पापा गाड़ी ले लो वो बोलेंगे है है मैं बोलूंगा कंटेंट कंटेंट तो अब हम का बहाना मार के भाई वो शौक पूरे कर पाते पहले शौक होते थे पैसा नहीं होता था फिर पैसा आया तो घर वालों ने बोला कि क्यों लेनी है गाड़ी अब कॉन्टेंट का बहाना मार के हम गाड़ी ले सकते हैं तो ये चीजों में इस टाइप में जैसे तू बता रहा है ऐसे मैंने भी बहुत सारी चीजें की है बट मैं एक चीज जानना चाहूंगा जैसे कभी किसी चीज में फंस जाता था कभी लेट जाता लेट जाता था जब मैं घर पे या फिर कभी कहीं बाहर चला जाता था बिना बताए तो ऐसा हुआ है तेरे साथ में क्या, कोई ऐसा आया जिसमें तूने बोल दिया पापा मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए आया था और तू तो गया कहीं और हाँ हाँ बहुत बारी एक बार थोड़ी भाई देख जब मैं कॉलेज में था मुझे बाहर जाने को मिलता नहीं था मुझे हाँ। बहुत मतलब डर लगता था पापा से क्योंकि तब और तब भाई पापा अभी जो, अगर जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते है भाई उनको लगता है पापा बड़े फन है भाई ये जब लगा ना कि लड़का पैसे कमा रहा है

वो डांट और एक डर ना बहुत ज़रूरी है और डर से इज्जत तो होती है बट इज्जत और डर ये दोनों बच्चों को होना चाहिए क्योंकि फिर ना वो बंदा दस बार मैं कोई भी चीज़ बिल्कुल यार मैंने बाद में करी है मैंने हमेशा दस बार सोचा है कि भाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो सीख सीख के अब हम अब तो चलो वो वाली एज भी चली है सोचने वाली अब तो ये होता है कि देखी जाएगी जो होगा बट डर और इज्जत बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में और घर वालों की डांट ना मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम तक तुम्हें बहुत अच्छी भी लगती है एक टाइम आता है थोड़ी देर के लिए लगती नहीं भाई।, भाई अच्छी लगती है, दार, है अच्छी अरे पॉडकास्ट लेंगे हम अरे यार नहीं लेते हैं घर में मेरे को डांट बंद कर दिया अब पापा है नहीं पापा ही डांटते थे मम्मी है मम्मी अब डांटती नहीं तो मैं बहुत मिस करता हूँ डांटना इसी वजह से मैंने तेरे से पूछा और जब तू बोल रहा है ना तो मैं उस चीज़ को मिस कर रहा था हाँ। कि यार घर पे सोना मेरे को कोई मैं घर से आज अभी किसी टाइम भी ट्वेंटी फोर सेवन में किसी टाइम भी मैं कहीं भी जाऊँ हाँ। मेरे घर पे कोई रोकने वाला नहीं कोई हाँ। टोकने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं बस हाँ। मम्मी को कॉल करना कि मम्मी यहाँ जा रहा हूँ तो वो डांट और डर जो है ना वो बहुत जरूरी है यार लाइफ में और मुझे लगता है वो होना चाहिए हर किसी की लाइफ में और बढ़िया तरीके से

भाई लिख मैं हर साल लिखता हूं जिस दिन साल खत्म होता है उस दिन पहले दिन, पहले हफ्ते कुछ नहीं लिख देता हूँ अच्छा। बट, बट ये है कि कभी काम करे बिना नहीं होगी मतलब कॉपी में लिख के ये नहीं है भाई कोई अलादीन का चिराग <laughs> नहीं है लिख दिया जाएगा नहीं करा है वो नहीं हुआ है जब मैंने काम करा है उतना ही उसके लिए चाहे मैंने हंड्रेड ना दिया मैंने पचास परसेंट दिया हो बट उसका आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अट्रैक्ट और एक्शन तो पहले लिखो आपको क्या करना है और उसको पाने के लिए क्या एक्शन करना जरूरी है वो भी करना पड़ेगा वो भी लिखते हैं वो भी लिखता हूँ थिंग्स वॉट आई वॉन्ट वॉट आई नीड टू डू उसपे ना तीनों को बैठाता हूँ बैठा और तसली उसमें उस सबकी बातचीत करेंगे मतलब वो है ना बढ़िया कोई खुद भी नहीं जवाब दे रहा होगा दूसरा बंदा दूसरे के लिए हाँ भाई बस एक अज्जू को छोड़ के ना वो सबके जवाब दे रहा होगा बहुत बहुत सब के बीच में जवाब दे रहा अच्छा ये तू ये गलत बोल, बोल रहा है तू ये गलत बोल रहा है इस पे तेरा ओपिनियन क्या है क्या ये सही है या फिर इसके पीछे जो मतलब क्वालिटी कंटेंट है वो दब रहे हैं ये क्या है सोच हम तो मैं वही हमने जो बात करी थी शुरू में शौक के लिए शौक बहाना है भाई मतलब कंटेंट बहाना है शौक पूरे करने के लिए तुम ना ओवरऑल बोल रहा हूँ

जो मैंने गाड़ी देखी थी वो हाँ. बट फिर भाई जब मैंने पैस, यार मैं बताता हूं गाड़ी ना सबको लगता है जो इंटेलेक्चुअल है कि गाड़ी इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट गाड़ी डिप्रिशिएटिंग एसेट है हुँ. बट मैंने उसको हमेशा ऐसा सोचा है कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना देगी ठीक है हुँ. अभी मैंने एक्स फाइव लिया है मैं एक्स फाइव लॉन्च प्राइस पे ले सकता था जिससे लॉन्च हुई थी हुँ. बट मुझे पता था कि यार ओवर प्राइस हो गई है इसको मैं अगर बेचूंगा क्योंकि भाई कोई भी नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही पच्चीस परसेंट गया Hmm. आप मान के चलो तो मैंने इसीलिए तब गाड़ी नहीं ली यूज गाड़ी मैं इसलिए कहीं ना कहीं नहीं लेता बिकॉज ठीक है यूज गाड़ी में कहते हैं आपके पैसे बच जाते हैं hmm. बट अगर आप अच्छी डील करो बट hmm. मुझे अच्छी डील नहीं मिल रही थी और मुझे नई गाड़ी में ज्यादा अच्छी डील मिल रही थी और मुझे ये पता था कि अगर पैसे डप्रीशिएट होंगे मैं कितना परसेंट डप्रीसिएशन रिकवर कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं गाड़ी लेता तो जी वैगन में ये हुआ कि भाई जी वैगन का ना मुझे हिसाब नहीं समझ आ रहा था कि मतलब मार्केट में इतनी की नहीं है एक तो मार्केट में जब नहीं मिलती कोई भी गाड़ी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं बढ़ जाते। तो वही हुआ कि जो मैंने गाड़ी मुझे लेनी थी वो तो भाई इतनी पुराना मॉडल उसमें जगह नहीं तो मैंने कहा भाई जी वैगन तो अभी दिल पे पत्थर रखा बट आएगी अभी हमने स्टेप बाय स्टेप जी वैगन ले आया मैं कल को

हाँ तब मुझे यही था कि भाई अब क्या मेरा तो मेरा इंजीनियरिंग के बाद के मुझे ग्रेजु पोस्ट ग्रेजुएशन करने का वो तीन साल थे वो निकल गए वो मैंने इसमें बर्बाद कर लिया अब क्या बट भाई वही कह रहा हूँ लाइफ में कुछ भी अगर बुरा हो जाए जो आपने सीखा हुआ है ना वो हमेशा काम आता है चाहे पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे धोखाधड़ी हो वो बाद में काम आती है और यही होगा क्या होगा चलो अगर मैं सपोज यूट्यूब बंद हो गया किसी का भी या फिर YouTube ही वो हो गया भाई हमने कंसल्टेंसी खोल सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में इतना पता है अब कल को मैं किसी बड़े ब्रांड के पास जा सकता जी मैंने अपना ब्रांड ऐसे बिल्ड करा है मेरा सोशल मीडिया ऐसे बनाया है मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा भाई कंसल्टेंसी में बहुत पैसा तो ऐसे ऑप्शन उप, तो बहुत नहीं करें भाई आप जो जो भी आप कर रहे हो ना आप सीख रहे हो कुछ ना जाए जितना भी लगेगी ब्लॉगिंग काम बड़ा आसान है सोशल मीडिया चलाना आसान है वो लगता है आसान है बट

अब दूसरे बंदे को आप हंस सकते हो मैं तो मैं तो भाई मेरे से कुछ होता है मैं तो उसका सोचता हूँ कि भाई तू अपना देख कि तूने क्या करा है मेरा तो कुछ नहीं गया तेरा ही गया जाएगा जो जाएगा और वो हुआ है लोगों के साथ कर्मा काम आता है hmm, कर्मा तो भाई है कर्मा भाई। है, भाई। है भाई मैंने मैंने चाहे मैंने बुरा करा हो चाहे अच्छा करा हो बट मैंने कर्मा देखा है सबका मैंने भी रिसेंटली अभी थोड़ा बहुत देखे हैं ऐसा ऐसा तुमने अब रियलाइज किया कि घर वाले पहले सही सही बोलते थे भाई मैं तो शुरू से बोलता हूँ मुझे तो उनकी बात सही भी नहीं लगती नहीं डंडे खा खा के मुझे समझ आ गई कि उनकी बात सही है भाई घर वाले सही होते हैं जितना मर्जी आपको लगे आप समझदार हो बट उन्होंने जो देखा है ना मतलब वही पता है कि हम छोटे होते भाई हम झूठ बोलते थे ना उनकी शक्ल पे दिखता था कि हाँ हाँ बोल ले हमें पता है और अब यही एक्सप्रेशन हम जब किसी छोटे को देखते हैं ना हमारे सामने आके चवड़ चवड़ कर रहा होता है और कहानी सुना रहा होता है दिख रहा होता है कि भाई पता है कि कटेगा इसका इसका होने वाला तो वो उन्होंने भी देखा है तो हम हमें तब नहीं लगता हमें थोड़े साल बाद समझ आ जाता है पॉडकास्ट को थोड़ा सा अब इतना ही रखते हैं थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करते हैं बट मैं एक बार चाहूँगा कि तू ने जो जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में जिया है हाँ। या जो जो तूने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में कोई एक शॉर्ट में जो भी देख रहा है यूथ उसको आने वाले टाइम में क्या चीज रहेगी क्या गलत तो वो थोड़ा सा अपने आप बता दें भाई मैं तो सिंपल बोलता हूँ मेक द मोस्ट फ्रॉम द लीस्ट तो जितना है मतलब मैंने देखा काफ़ी लोग बोलते हैं भैया आपके पास तो पैसा है आपने तो गाड़ी ले ली भाई कभी किसी क्रिएटर की ना सबसे पहली वीडियो जाके देखना कि वो कहाँ रहता था क्या करता था ठीक है आपको सब समझ आ जाएगा कभी भी किसी क्रिएटर की करंट वीडियो मत देखो उसकी सबसे यूट्यूब पे ना सबसे इजी आता है लेटेस्ट पॉपुलर ओल्डेस्ट किसी भी क्रिएटर की ओल्ड ना पॉपुलर पे मत जाओ तुम बोलोगे हाँ इसकी इस वीडियो में पाँच आ गए ओल्डेस्ट वीडियो पे जाओ वहाँ से देखो कि उसका रहना क्या था उसका घूमना क्या था उसके लिए मोटिवेशन क्या होती थी और उसकी तब माइंड तो भाई क्या सोचते नहीं थे मैंने, मैंने भी, भी गाड़ी ले पाऊ वो मैंने ली नहीं मैंने सीधा मशिडीस दी बट कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं कभी होता था कि यार पापा ले देंगे ठीक है हमने भी यही सोचा था बट जब खुद काम करने लगे और अपने आप चीजें आने लगी और अब मैं वापस सोचता हूँ लेके और घर लेके मैंने कहा मैं घर लेने की सोच रहा भाई जो चीज़ उस टाइम है मेक आप बैठे हमारे साथ में कैसा लगा ये इसके मजा बारे में आया बता अभी बता तो।, तो मुझे लग रहा है कि ये हमने ब्रेक्स ले लिए बट देन अगर, अगर अभी नॉनस्टॉप होता तो आपको 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मिलती है और अभी तो मुझे लग रहा है इसके बाद एक बार है ना मेरे को नीचे कमेंट में बता देना अगर आप चाहते हो हम तीनों बंदों को एक साथ बैठाएं और तीनों बंदों के साथ में एक साथ बैठ के बढ़िया तरीके की बातचीत जुगलबंदी करे जो ये इनसे भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा और खुद भी करूंगा और फिर इनसे ना वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे भाई मेरे बारे में कुछ बोल के चले जाओ भाई 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 ने मतलब मैं बता दो घंटे पता ही नहीं चले और अभी तो ऐसा लग रहा है इसने आधे सवाल भी नहीं पूछे नहीं पूछे भाई ये देखो अभी मैं मैं तुम्हें दिखा दूँ चार पेज के क्वेश्चन लिखे थे इसके और अभी फिलहाल दो पेज ही हुए हैं तो अभी हम पार्ट वन के लिए ये रखते हैं बट देन हनी भाई बहुत ही शुरू से स्वीट बंदे हैं और

भाई ये एंड में मेरे को जो के जा रहा करने ना वाले है सारे डाल सारे कर, डालूंगा <laughs> मैं कह रहा जो ये जो ये बोल के गया ना ये मत डालियो वो सारे डालूंगा बट बाकी भाई ओवरऑल मेरे को बड़ा पसंद आया मजेदार आया मतलब मजा आया और बहुत सारी चीज सीखने को मिली है और तीस साल वाली है तो मेरे एक घंटे के, तो है है के आसपास का तो ही होगा नहीं वो पूरा अनकट डाल दू क्या तो भाई जैसा भी अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज लगी है कुछ भी चीज आपको पसंद आई है तो डू लाइक कमेंट और Unsubscribe, सब्स्क्राइब, किसने सब्स्क्राइब, इसने unsubscribe की मेरे को दी है हाँ। तो और बाकी पेन भाई जाते जाते <laughs> मैं ना इससे पहले पहले यूज करूंगा और फिर बताऊंगा आपको कैसी है इसकी क्वालिटी क्योंकि अभी मैं पैसे नहीं मालूम फिर विश्वास मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में थैंक यू